हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से प्रेजेंट हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर के, है ना, जिसका नाम है पैकेजिंग प्रोसेस। अब पैकेजिंग प्रोसेस किसकी? पैकेजिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, है ना, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होती है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था, है ना, बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल जो है इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल पहले मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके बाद पैकेजिंग इक्विपमेंट तैयार किए जाते हैं ना। फार्मास्यूटिकल कंपनीज और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज में बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के, है ना। इसमें कम जो आपका पैकिंग कर ली, जो मशीनरी यूज की जाती है उसकी हमने क्या कहते हैं क्वालिटीज पढ़ी थी, है ना, और कैसे कैसे हम करते हैं ये पढ़ा था, कितना इन्वेस्ट हाईली के लिए खर्च करना पड़ता है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग प्रोसेस एक्चुअल में कैसे क्या होती है। ठीक है, लिखा है द वास्ट एरिया ऑफ द पैकेजिंग साइजेस एंड द एविडेंस ऑफ द डिफरेंट कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स मीन दैट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली मोर चेंजओवर्स देन प्रोडक्शन ऑफ अदर फार्मास्यूटिकल्स और फूड। ठीक है, तो द वास्ट, वास्ट माने होता है लार्ज। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने इजी में चुपके से वहां पे लिख दिया लार्ज। ठीक है, तो लार्ज कॉलम ऑफ पैकेजिंग साइजेस, मतलब इस पूरी कंट्री में या इस पूरी वर्ल्ड में एक पैकेजिंग की एक अलग ही बहुत बड़ी सी कह सकते हैं यूनिट है, है ना। पैकेजिंग साइजेस एंड द एविडेंस, एविडेंस मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स मीन दैट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली मोर चेंजओवर्स देन प्रोडक्शन ऑफ आइदर फार्मास्यूटिकल्स और फूड। ठीक है, यानी कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, है ना, या फूड प्रोडक्ट होते हैं या हमारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, इन सब की पैकेजिंग जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, अब आपकी पैकेजिंग किस टाइप की होगी ये आपके जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। देखिए, जैसे हमारा जो है अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो अगर हमें छोटा में लेना होता है तो वो कह सकते हैं थोड़ा सा दफ्ती का ही, वो फ्रूटी का जो पैकेजिंग देखा है उस तरह हो सकता है। उससे बड़ा लेना चाहते हैं, लार्ज क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट है तो प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, है ना, उस पर अच्छा सा लेबल कर दिया, या आप और अच्छे में लेना चाहते हैं तो वो केन की बॉटल आने लगी, है ना, उस तरह हो गया। ठीक है, तो ये आपका जिस तरीके का आपका जो है प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपकी पैकेजिंग प्रोसेस जो है वो डिपेंड करेगी। और आपका न्यूट्रास्यूटिकल हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो या फूड प्रोडक्ट हो, सबकी पैकेजिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज डेडिकेटेड चेंजेस पार्ट दैट आर फॉर मोर एक्सपेंसिव बट डिजाइन फॉर हाई स्पीड। अब देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या होती हैं, ये डेडिकेशन करती हैं कि हमारी मशीनरी के पार्ट भले ही चेंज हो जाए और भले ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो, पर इसकी डिजाइन, मतलब इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया हो कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो हमारी पैकेजिंग मशीन है वो भले ही थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाए, उसके पार्ट चेंज करने पड़ जाए, लेकिन उसका जो काम करने का कह सकते हैं स्पीड है वो हाई हो जाए। मेंटेनेंस इज डन आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइन्स आर ओनली स्टॉप ड्यूरिंग रन्स इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट इशू। मेंटेनेंस इज डन आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, मतलब अगर आपका प्रोडक्शन करते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है ना, लॉन्ग इंटरवल हो गया है, तो लॉन्ग इंटरवल के बाद आपको मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी मशीनरी वगैरह है ना, उसको एक बार मेंटेन ठीक ठाक करवा लेना, चेक करवा लेना, है ना, इस तरीके का। ठीक, आर ओनली स्टॉप्ड ड्यूरिंग रन्स, अगर सिर्फ रन करते समय जो है वो बीच में कहीं रुक जाती है, एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट इशू, ये जो है आपका एक समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा इशू है, तो इसके लिए आपकी टाइम टाइम पर मशीनरी वगैरह की जो वो होती है क्या कहते हैं मशीनरी वगैरह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टाइम टाइम पर उसका मेंटेनेंस कराना। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्टैंड आउट इन दैट मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज
स्टैंड आउट इन दैट द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स इज टेकन एक्सट्रीमली एक्सट्रीम सीरियसली। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो इसकी मतलब मशीनरी के अपने मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब ज़्यादा सीरियस रहती हैं। ठीक है, तो द मशीन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रनिंग परफेक्टली इफ दे वेयर ब्रांड न्यू। ठीक है, ये मशीन से मतलब ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वो परफेक्ट टाइप से रनिंग करें, या तो वह अगर किसी अच्छी सी ब्रांड की है या फिर एकदम न्यू है। तो एनी स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम हाउ अ मशीन शुड बी रनिंग विल रिजल्ट इन अ शट डाउन एंड इमीडिएट फिक्सिंग ऑफ द लाइन। एनी स्लाइट, एनी मतलब कोई स्लाइट मतलब थोड़ी सी भी वेरिएशंस मतलब होता है थोड़ा सा किसी चीज़ में वेरिएशन हो जाना, वेरी हो जाना, अलग अलग हो जाना, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना। फ्रॉम हाउ अ मशीन शुड बी रनिंग, है ना, कैसे मशीन रनिंग करेगी, एंड रिजल्ट इन अ शट डाउन एंड इमीडिएटली फिक्सिंग होगा, उसको मतलब तुरंत ही शट डाउन कर देना चाहिए, और इमीडिएटली ना जो भी आप उसका मेंटेनेंस है वो उसको प्रोवाइड करा देना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वेस्ट हैविली इन स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री, सो इफ अ पार्ट ब्रेक डाउन इट कुड बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली टू हैव ओनली मिनिमम इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन शेड्यूल्स। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं हैविली मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन स्पेयर पार्ट्स, जो उसके आपकी कंपनी सॉरी कंपनी कह रही हूँ मशीनरी के पार्ट्स हैं ना, इन्वेंट्री। सो इफ अ पार्ट ब्रेक डाउन, यदि आप कोई पार्ट मशीनरी का टूट जाता है, इट कुड बी इसको तुरंत रिप्लेस होना चाहिए, है ना, इट कुड बी रिप्लेस्ड इमिडिएटली टू हैव ओनली मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्शन शेड्यूल, जिससे कि आपके प्रोडक्शन शेड्यूल पे बहुत ही मिनिमम जो है वो फर्क पड़े कह सकते हैं, या इफेक्ट है। ओके, तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे लेबल क्लेम्स, है ना, हम देख लेंगे हमारे जो सिलेबस उसमें लेबल क्लेम्स, उसके बाद सिर्फ एक और जो आपका टॉपिक है उसके बाद आपका ये फोर्थ यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।